हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा। 1 डिवाइड बाय क्या है, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ओके, इसको सिंपली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लेट करते हैं, देखते हैं किसको टी माना है। ओके, तो सॉल्व क्या करना है इसमें, हमने एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी, तो ऊपर वाले टर्म को एज इट छोड़ना, नीचे से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, एक्स। तो ये एक्स मैंने यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा 1, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा, लॉग एक्स। ओके, और ये साथ में डी एक्स। सेकेंड में क्या करना है, अब हम करेंगे टी पुट, किसको, 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या मानते हैं, टी। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। सेकेंड स्टेप क्या रहता है हमारा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। अब x के रिस्पेक्ट में 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 0। log x का क्या हो जाएगा, 1/x, और t का dt/dx। ओके, सिंपल क्या करना है, dx को इस तरह भेज दो, क्या आ जाएगा, dx 1/x इक्वल टू dt। इतना समझ आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देखो 1 अपॉन में एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या माना था, टी, तो इसकी जगह आएगा टी डायरेक्ट। ओके, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स इसको हमने क्या माना था, टी, तो हम डायरेक्ट टी लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये साथ में डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन में टी एज इट इज़, और 1 अपॉन में x dx की जगह क्या लिखूंगा, डायरेक्ट में dt। ओके, चेंज कर दिया मैंने dx को, किस में कन्वर्ट कर दिया, dt में। कैसे, 1 अपॉन x dx डिफ्रेंशिएट करने पर आया था, और यहाँ पर भी क्या मिला मेरे को, 1 अपॉन x dx, तो इसको चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, dt। अब यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल 1 अपॉन t को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल इसका क्या आएगा, log t प्लस c, और t को हमने क्या माना था, 1 प्लस log x। तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, 1 प्लस log x प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आएगा। किसी भी प्रकार का डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।